नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं घर से स्टार्ट किए हुए एक स्टार्टअप की, या आप बोल सकते हैं होम बेस्ड क्लाउड किचन की। मैं आज आपको बताने वाला हूं अपने एक स्टूडेंट के बारे में, कंचन राज के बारे में। इनकी फोटो भी यहां आ जाएगी। ये घर से ही अपना क्लाउड किचन चलाती हैं और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करती है। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, एक्चुअली मैं अभी ये कर क्या रही है। इनका अपने घर पे से रह के, क्योंकि ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है, इनके बच्चे हैं, तो ऑलरेडी ये घर पे रह के ही अपना काम करती है। ये अपने घर से ही आपको ऑनलाइन क्लासेस देती है बेकरी और पेस्ट्री की। आपके जो भी आपको सीखना है आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें वीडियो फॉर्म में और रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ अपने घर से ये अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बना के बेचती हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप भी इनके प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से कंचन ने जो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदला, क्योंकि इनके जो डैड हैं ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं। इनकी शादी होने के बाद इन्होंने अपने पैशन को आगे बढ़ाया, प्रोफेशनल एजुकेशन ली बेकरी और पेस्ट्री में किसी इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद इनकी जो जर्नी आगे स्टार्ट हुई। ये भी जॉब करना चाहती थी, कुछ समय तक इन्होंने जॉब किया, पर इनको समझ आ गया कि जो जॉब जो है वो इतनी इजी नहीं है, क्योंकि आपको लगभग 9 से 10 या 11 12 घंटे आपको पर डे आपके ऑफिस में बिताने पड़ते हैं या किसी होटल या रेस्टोरेंट में बिताने पड़ते हैं, और जो लास्ट में जो इनकम आती है वो इतनी नहीं होती जितना कि आप सोच के चलते हो। ये ऑलरेडी काफ़ी जो पैसा था अपने जो पढ़ाई पर खर्च कर चुकी थी, तो इनके सामने था कि या तो ये घर पर रहें या फिर कोई अपना स्टार्टअप करें। इसके बाद इन्होंने मुझे पिचिंग करा और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इवन शेफ विकास खन्ना ने भी इनको एक अवार्ड दिया है। फोटो आपको मैंने पहले भी दिखा दिया, इवन आपको थंबनेल में भी मैं लगा दूंगा। तो इनका जो ऑलरेडी जो पैशन था वो इनको लोगों के सामने ले जाना था। ये ट्रेडिशनल तरीके से ही अपनी शॉप खोलना चाहती थी, अपनी केक शॉप। इनके जो अभी जो प्रोजेक्ट है, इनका जो स्टार्टअप है, उसका नाम भी द केक शॉप है, जहाँ पे ये लोगों को सर्व करना चाहती थी। पर जिस तरीके से ये पैंडेमिक हुआ, लोग अपने घरों पर ही है, तो इनको लगा कि इनको डर भी लगा कि अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगी तो सारा का सारा डूब जाएगा। उसके बाद इन्होंने भी मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देखी, जैसे कि आप लोग देखते हो, और इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। इनको जो मैंने सजेस्ट किया था, अपना कोर्स सजेस्ट किया था, इन्होंने मेरे से बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स किए, और इनको एक्चुअल में जो इनकी प्रॉब्लम थी उसके बाद ही हम उसका सलूशन निकाल पाए। अब ये चाहती थी जो भी इन्हें कुछ आता है वो लोगों को ये सेल करें। ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट बना के लोगों को सेल करना चाहती थी, जैसे कि ये दुकान खोलना चाहती थी, या फ्री में लोगों को प्रोडक्ट बांट के उनसे उनके जो फीडबैक्स लेना चाहती थी और अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती थी, जो कि मैंने इनको बिल्कुल ही मना कर दिया। मैंने इनको जो रिवर्स थ्योरी हम लोग बोलते हैं उस पर काम करने की इनको बोला। मैंने बोला अगर आपको लोग जानते हैं तो आप जस्ट एक उनको मैसेज डाल दीजिए कि मैं एक पेड क्लासेस कर रही हूँ, क्या आप उसमें हिस्सा लोगे? तो लगभग सभी लोगों ने इनकार कर दिया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप किसी को जानते हो, अगर आप उन्हें प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो कभी भी वो आपके प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आपके प्रोडक्ट वही लोग लेंगे जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, या जो कि आप लोग पे यकीन करते हैं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उसके पीछे आपने कुछ काम किया है तो वो लोगों को नज़र आता है। तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि हर किसी को अपना मोल मालूम नहीं होता, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है, जो कि बिल्कुल सच बात है। यहाँ पे मैंने इन्हें जो सजेस्ट किया, मैंने इन्हें दो चीज़ की सजेस्ट की, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिनका कि मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको जाके देख सकते हैं। और जो भी मुझे बेकरी पेस्ट्री की वीडियोज़ के बारे में बोलते हैं, बुक्स के बारे में बोलते हैं, आप डायरेक्ट भी जाके इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका जो कंटेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक से इन लोगों ने स्टार्ट किया है, और जो जो सीखना चाहते हैं इस टाइम पर, चाहे लेडीज़ हो, बच्ची हो, स्टूडेंट हो, वो इनको फॉलो कर सकते हैं, और आप इन्हें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियोस आपको चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने अपने जो ऑनलाइन थे का काम था जो स्टार्ट कर दिया, अपनी ये अपनी कोर्सेज बेच रही हैं, आप कोर्सेज भी ले सकते हो। वहीं ऑफलाइन में इन्होंने अपने प्रोडक्ट भी सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी ऑफलाइन में ये जो मेनली है, ये व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट्स लोगों को बेचती हैं, और अभी इनका जो साइनअप है जोमेटो और स्विगी में भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना एक पूरा स्टार्टअप सा कर लिया है। अगर कॉस्टिंग की बात करें, इन्हें कितनी कॉस्टिंग आई, जो कि हम लोगों ने मिलकर एक इनके लिए प्लान करा था, क्योंकि इनका बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो जो भी इनके पास घर में ही अवेलेबल थी चीज़ें उनसे ही इनका काम चल गया, या बोल दीजिए कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में इनका स्टार्टअप हो गया। क्योंकि अधिकतर ऐसे लोग जो कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग घर से स्टार्टअप करें, तो मेरा सजेशन यही होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पहले चेक कीजिए, आप कितना करना चाहते हैं, और आपके अंदर जो खूबी है, जो काबिलियत है, आप उसको लोगों को सेल कीजिए। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जब आप खाना बना के बेच रहे हैं तो आप दिल्ली वालों को ही सर्व कर सकते हैं, पर वही अपनी कला को वर्चुअली
टेक्नोलॉजी के साथ मिला के आप पूरी दुनिया में कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो स्टार्टअप है वो चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करेंगे, इनके चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, इनको जाके देखेंगे, और अगर आपको इनका काम अच्छा आता है तो इनके कोर्सेज बुक्स भी लेंगे, या अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनके इनके इंस्टीट्यूट पर जाके या इनके स्टार्टअप पर जाके भी काम कर सकते हैं, या उनसे वहाँ पर जाके भी क्लासेस ले सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं आगे भी वीडियोस बनाता जाऊंगा, जो भी जिन भी लोगों की लोगों ने मेरे कोर्स में इनरोल करा है या जो भी ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुके हैं। अगर आपको आप चाहते हैं इनसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछना तो आप मुझे नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस एक बार में इनको भेज दूँ और इनसे एक वीडियो शूट करके मंगवाऊँ जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करूँगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।